उत्तर भारत के अहम राज्यों में शुमार होने वाले राजस्थान के मेवाड़ हाड़ौती क्षेत्र में मौजूद है भिलवाड़ा जिला, जहां बसा है मांडल विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी डीग कुमेर विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे मांडल विधानसभा सीट की। 2023 में होने वाले चुनाव में मांडल विधानसभा सीट से कांग्रेस की ओर से रामलाल जाट को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से उदयलाल भडाना को मैदान में उतारा गया है। मांडल सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो यहां पे सबसे प्रबल दावेदारी कांग्रेस के रामलाल जाट की है, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार से विधायक है और राजस्व मंत्री है, और इस क्षेत्र में रामलाल जाट का दबदबा अधिक बना हुआ है। मांडल विधानसभा क्षेत्र भिलवाड़ा के जिला मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट की खास बात यह है कि यहाँ की जनता ने हर चुनाव में एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत का ताज पहनाया है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस सीट पर कुल 2,45,979 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल जाट को 59,645 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया गया था, जबकि बीजेपी के कालूलाल गुर्जर को 47,726 वोट मिले और वो 11,919 वोट से हार गए। वही अगर मांडल विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 2023 के आंकड़ों के अनुसार करीब 2,63,000 के आसपास मतदाता है। इस सीट पर वैसे तो जाट और गुर्जर समाज का ही दबदबा रहा है, और इसी वजह से हर बार यहाँ से जाट या गुर्जर समाज के नेता को ही टिकट मिलता है। लेकिन इस सीट पर SC ST और अन्य जातियों की भी अच्छी खासी संख्या है, जो प्रत्याशी की हार जीत तय करती है। मांडल विधानसभा के चुनावी मुद्दे सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं और किसानों से जुड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्ग खेती से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कृषि से जुड़े मुद्दों के लिए यहां से हमेशा से आवाज उठती रही है। भिलवाड़ा जिला मुख्यालय से नजदीक होने और भिलवाड़ा नगर विकास न्यास के पेरा फेरी एरिया में आने के साथ यहां के विधायक रामलाल जाट के मंत्री होने से यहां विकास तो हुआ है, मगर साल 2023 का विधानसभा चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जहां देखने लायक होगा कि कांग्रेस के विधायक रामलाल जाट अपनी विधायकी रिपीट कर लेंगे या बीजेपी के उदयलाल भडाना जनता का विश्वास जीतकर कमल का फूल मांडल में खिला देंगे। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।